बच्चों आज हम पूर्णांक के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्णांक जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि पूर्णांक का मतलब, अगर इसे हम तोड़ दें तो देखिए पूर्ण धन अंक लिखा जा सकता है। पूर्णांक यानी पूर्ण धन अंक, ऐसे सभी अंक पूर्णांक कहलाएंगे जो पूरे पूरे हो। पूरे पूरे का मतलब हुआ कि ना तो दशमलव में हो ना ही वो भिन्न में हो। अर्थात जैसे अगर कहा गया कि 15 तो 15 पूरा पूरा है, 4 कहा गया तो 4 पूरा पूरा है। अगर 4.5 कह दिए तो 4 से ज्यादा हो गया और पूर्णांक नहीं हुआ। 4 सही 1/2 कह दिए तब भी ये पूर्णांक नहीं है, भिन्नात्मक पार्ट हुआ। तो कहने का मतलब जो भिन्न ना हो, जो दशमलव युक्त संख्या ना हो, ऐसी संख्या को हम पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक का मतलब पूरे पूरे अंक, यानी पूर्णांक जो भी अंक पूरा पूरा हो, ना वो दशमलव में हो और ना ही भिन्न में हो, तो ऐसे अंकों को हम पूर्णांक कहते हैं। अब आती बात कि भाई पूर्णांक होते कितने प्रकार के हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा संख्या रेखा के बारे में जान लें। देखिए यहाँ पे संख्या रेखा बनाई गई है। अब संख्या रेखा क्या होती है ये भी जानना है। जैसे इसके भी नाम से स्पष्ट हो रहा है, संख्या रेखा ऐसी रेखा जो संख्याओं को प्रदर्शित करे, यानी ऐसी रेखा जिस पर हम संख्याओं को लिख सकें, ऐसी रेखा को हम संख्या रेखा कहेंगे। अब फिर बात आती है कि भाई संख्याएं कितने तरीके की होती हैं। तो संख्याओं को अगर हम बांट दें तो मुख्यतः दो प्रकार बनते हैं। एक तो होता है वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या। इसके बारे में हम थोड़ा और अध्ययन करेंगे। जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं, चाहे प्रमेय हो चाहे अपरिमेय हो, चाहे सम संख्या हो अभाज्य संख्या हो, तमाम तमाम जितनी भी आप संख्याओं के प्रकार जानते हैं इसका हम अध्ययन करेंगे, सभी वास्तविक होते हैं। यानी अगर आप संख्या को बांट देते हैं दो पार्ट में, एक पार्ट होता है इसका वास्तविक का और दूसरा पार्ट बनेगा एक वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। अब जानते बच्चा वास्तविक क्या होगा और काल्पनिक क्या होगा। आप केवल काल्पनिक ध्यान में रखो। काल्पनिक का मतलब है कि जिस संख्या का हम वर्गमूल ना ज्ञात कर पाए, ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल ज्ञात ना किया जा सके। अर्थात यदि वर्गमूल किसी हमको ऋणात्मक संख्या का ज्ञात करना है तो ऐसी संख्या जो होगी वो काल्पनिक होगी, इसका मान हम संभव नहीं है ज्ञात करना। और जैसे -4 लिखा है, 4 का तो वर्गमूल हम जानते हैं 2 होता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भाई -4 का वर्गमूल क्या होगा तो हम बता नहीं सकते। तो काल्पनिक संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका कि हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर पाते, और ऐसी संख्याएं वो होती हैं कि जो वर्गमूल में अगर ऋणात्मक संख्या लिखी है तो हम समझेंगे कि वो काल्पनिक है। बाकी जितना भी आप संख्याओं का प्रकार जानते हैं सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं, चाहे परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, सम संख्या अभाज्य संख्या, ये सारी संख्याएं वास्तविक होंगी। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो संख्या रेखा ऐसी रेखा है जिस पर हम सभी संख्याओं को, सभी वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित कर पाए। काल्पनिक का मतलब कि भाई जो बात वास्तव में है ही नहीं, हम केवल कल्पना कर रहे हैं तो उसको हम प्रदर्शित नहीं कर पाए, लेकिन जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं ऐसी सभी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा एक ऐसी रेखा है जिसपे हम समस्त प्रकार की वास्तविक संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। जिनमें बच्चा हम आज सीखने चल रहे हैं पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में आपको बताया गया कि पूर्ण धन अंक, पूरे पूरे अंक, पूरे पूरे अंकों को ही पूर्णांक कहा जाता है। अर्थात वो ना तो दशमलव में हो ना ही भिन्न में हो तो उसको हम पूर्णांक कहते हैं। आगे हम इसको भी सीखेंगे कि दशमलव संख्याओं को कैसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, भिन्न को कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, परिमेय संख्याओं को भी कैसे इस पर प्रदर्शित करते हैं, ये सारी बातें हम सीखेंगे।
आगे थोड़ा सा और पढ़ते कि भाई पूर्णांक हमने जाना कि पूर्णांक पूरे पूरे अंकों को कहते हैं, और संख्या रेखा भी जाना कि संख्या रेखा ऐसी रेखा है जिसपे सारी संख्याएं लिखी जा सकती हैं जो कि वास्तविक हो। अब देखिए, अब ये बात आती है कि भाई पूर्णांक के प्रकार कितने हैं, तो देखा जाए अच्छा जो हम यहां से लिखे हैं देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये अनंत तक, क्योंकि आपको पता है संख्याएं अनंत होती हैं, तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लस अनंत तक, और इस तरफ लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5 और इधर माइनस अनंत तक। बीच में देखिए हमने जीरो लिखा है। इस तरीके से देखा जाए कि इसके दो पार्ट हो रहे हैं पूर्णांकों के, एक तरफ तो धनात्मक पूर्णांक हो रहा है और दूसरी तरफ ऋणात्मक पूर्णांक हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्लस एक से लेके प्लस अनंत तक, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आप प्लस चिन्ह भी लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखते हैं तो प्लस, ये है कि जब संख्याओं के सामने कोई चिन्ह नहीं होगा तो उसका चिन्ह हम प्लस मानेंगे। फिर देखते बच्चा, एक से लेकर के अनंत तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत, इसको हम धन पूर्णांक कहते हैं, या इसी का एक नाम और है प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, और इसको हम आई प्लस से डिनोट करते हैं। आई प्लस का मतलब प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक, या इंग्लिश में बोलेंगे तो आप नेचुरल नंबर, या पूर्णांक कहते हैं तो उसको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, और इसको हम आई प्लस से डिनोट करेंगे। इसमें 1, 2, 3, 4 और प्लस अनंत। फिर है बच्चा शून्य पूर्णांक। देखें शून्य पूर्णांक में केवल एक अंक आता है, ये जीरो अकेला जो है ये शून्य पूर्णांक है। फिर इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक का मतलब है इस तरफ से -1 से लेकर के माइनस अनंत तक, -1, -2, -3, -4, -5 और डॉट माइनस अनंत तक, ये ऋण पूर्णांक कहलाएगा। ऋण पूर्णांक को हम आई माइनस से डिनोट कर सकते हैं, शून्य पूर्णांक को हम जीरो लिखे हैं, ऋण पूर्णांक को आई माइनस, और ये शुरू होगा -1, -2, -3, -4 और माइनस अनंत। फिर देखते हैं बच्चा इसी में, ये तो पूर्णांक रहा, और फिर देखते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। जैसा आपको बताया गया था कि अंक जो होते हैं 0 से लेकर के 9 तक अंक होते हैं, फिर इनसे ही संख्या बनी, और संख्या भी बताया गया कि भाई दशमलव संख्या है, भिन्नात्मक संख्या है, प्रमेय अप्रमेय तमाम संख्याओं के प्रकार हैं, जिनमें जो पूर्णांक है अगर देखा जाए 0 अगर हटा दिया जाए तो संख्या पूर्ण नहीं होती, तब हम सभी संख्याओं को डिनोट नहीं कर सकते हैं यदि 0 ना हो। तो सभी धन पूर्णांकों में यदि हम 0 को भी सम्मिलित कर लेते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लस अनंत तक, ये देखा जाए तो ये धनात्मक पूर्णांक है, और इसी में 0 को भी सम्मिलित कर लिए तो ये पूर्ण संख्या कहलाए। यानी हम कह सकते हैं कि 0 सहित सभी धनात्मक पूर्णांक, 0 सहित सभी धनात्मक पूर्णांक या 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। फिर थोड़ा सा एक चीज और जानते बच्चा, संख्या रेखा जो हम लिखे हैं इसकी एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती? इसकी विशेषता यह होती कि कोई भी संख्या जो भी लिखी हुई है, इस संख्या जो भी है इसके जो दाहिनी ओर संख्याएं हैं वो बड़ी होंगी, और जो बाई ओर संख्याएं हैं वो क्या होंगी? छोटी होंगी। जैसे आपको कहा जाए 2 और 3 को देखिए, 2 और 3 है, अगर देखा जाए तो अपना हाथ हम रखें तो देखें ये बायां हाथ है और ये दायां हाथ, तो दाएं हाथ पर जो संख्याएं होंगी यानी जो दाईं ओर संख्याएं होंगी संख्या रेखा पर, वो संख्याएं अपनी बाईं ओर की संख्याओं से बड़ी होंगी। जैसे आपसे पूछा गया कि भाई 3 बड़ा है कि 2, तो आप क्या बताएंगे कि 3 बड़ा। क्यों 3 बड़ा? क्योंकि 3 जो है दाईं ओर है और 2 जो है वो बाईं ओर है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई 1 बड़ा है कि 6 बड़ा है, तो आप बताएंगे कि अब अपना हाथ ऐसे रखिए सामने, देखिए 1 बाईं ओर है और 6 दाईं ओर है, और हमने जाना कि संख्या रेखा की ये विशेषता होती है कि जो संख्याएं दाईं ओर होती
वो संख्याएं अपनी बाई ओर की संख्याओं से बड़ी होती है। जैसे बच्चा बात आती है कि जीरो बड़ा है कि माइनस चार, अगर ध्यान से इसको देखा जाए तो जीरो देखिए, जीरो दाई ओर है और माइनस चार बाई ओर है, तो हम कहेंगे कि जीरो ज्यादा है और माइनस चार कम है। अगर पूछा जाए आपसे कि भाई माइनस एक बड़ा कि माइनस पांच, तो आप बताएंगे कि माइनस एक बड़ा। क्यों? क्योंकि अगर माइनस एक और माइनस पांच को देखा जाए तो पांच हमारे बाएं, माइनस पांच बाएं ओर है और माइनस एक दाई ओर है। इस तरीके से हम कह सकते कि माइनस एक बड़ा है और माइनस पांच छोटा है। अगर बच्चे आपसे पूछा जाए कि भाई जीरो बड़ा है कि माइनस सौ, कहीं आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ कहीं माइनस सौ आएगा। अब देखिए इस स्थिति में भी हम बोलेंगे कि जीरो बड़ा है, क्योंकि जीरो जो है संख्या रेखा पर दाहिनी ओर है और माइनस सौ बाईं ओर है। तो आज हमने पूर्णांकों के बारे में अध्ययन किया। पूर्णांक का मतलब हमने समझा पूर्ण घन, पूरे पूरे अंकों को ही पूर्णांक कहा जाता है। और पूर्णांक तीन तरीके का होता, धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या, प्लस एक से लेके अनंत तक, प्लस अनंत तक, ये धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या, या इसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। फिर है शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक में केवल जीरो है जिसको कि हम शून्य पूर्णांक कहते हैं। फिर आपको पढ़ाया गया कि ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक का मतलब है निगेटिव इंटीजर्स, और ये माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार से लेकर के माइनस अनंत। फिर बच्चा आपको बताया गया कि ये तो रहे पूर्णांक, और संख्याएं तब पूर्ण होती हैं जब उसके साथ में जीरो भी आ जाए। तो हम जैसे गिनना स्टार्ट किए थे, जब संख्याओं को पढ़ना शुरू किए थे, हम एक से शुरुआत किए थे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो हमारी प्रकृति थी एक से गिनने की। तो एक से जो हम शुरुआत करके गिने, इसलिए इसको प्राकृतिक संख्या कहा गया या इसी को धन पूर्णांक कहा गया। जब इसी में हम जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है। और हमने संख्या रेखा की विशेषता जानी कि संख्या रेखा पर स्थित दाईं ओर की सारी संख्याएं अपनी बाईं ओर की संख्याओं से बड़ी होती है। इस तरीके से ये पूर्णांक खत्म है। अगले भाग में हम सीखेंगे कि कैसे हम संख्या रेखा पर दशमलव संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं, और उसके बाद हम दशमलव पर आधारित संक्रियाओं का अध्ययन करेंगे।